एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डुपर। टुडे आई एम गोना मेक चिकन पालक रेसिपी है बिगो। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप लोग नोट कर लें। 1 किलो पालक बारीक कटी हुई अच्छे से धोकर रख लें, 1 किलो चिकन, 1 कप प्याज, थोड़ा सा आपको बारीक कटा हुआ हरा धनिया चाहिए, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 6 अदद हरी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 कप टमाटर क्यूब्स में काट लें, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1/2 खाने का चम्मच हल्दी। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। 1 पतीली में पानी ऐड कर दें और इसमें हम बारीक कटी हुई पालक ऐड कर देंगे। तो आपने सारी पालक ऐड कर देनी है पानी में। फिर हम इसके बाद इसको बॉयल कर लेंगे। तो आपने इसको 2 मिनट बस बॉयल करना है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसका पानी गिरा देंगे और एक ब्लेंडर जग में हम इसको पालक को ऐड कर देंगे और 6 अदद आपने हरी मिर्ची ऐड करनी है। तो आप हरी मिर्चों की डंडी उतार कर हरी मिर्ची ऐड करें। पालक और हरी मिर्चों को हम ग्राइंडर कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ब्लेंडर कर सकते हैं। तो आप इसका पेस्ट बहुत अच्छे से बनाएं। हमें इसका थिक सा पेस्ट चाहिए। 1 पतीली में हम ऑयल ऐड कर देंगे। तो मैं इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को ऑयल दिखाना भूल गई थी, लेकिन आपने 1 कप ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसमें 1 कप प्याज ऐड कर देना है। ये 1 प्याज है बड़े साइज का। अगर आपके पास बड़े साइज का प्याज ना हो तो आप 2 मीडियम साइज के भी प्याज ले सकते हैं। तो इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं ऑनियन। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको आपने अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद आपने इसमें सारे मसाले ऐड कर देने हैं और इन मसालों को भी आपने अच्छे से भून लेना है। बारीक कटे हुए अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो पानी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इस चमचा बाहर निकाल लेना है और ढक्कन लगाकर इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद आप चेक कर लें, टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं और हमारा मसाला भी रेडी है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन को आपने बहुत अच्छे से वॉश करना है और फिर हम इसके बाद चिकन ऐड कर देंगे। चिकन 1 kg है और पालक भी 1 kg है। तो चिकन ऐड करने के बाद आपने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप ढक्कन लगा कर इसको रख दें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट्स के बाद आप इसको चेक कर लें। चिकन पहले से बहुत अच्छी गल चुकी है, तो चिकन पहले से सॉफ्ट भी हो चुकी है।
तो इसको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना, इसको हमें थोड़ा सा कच्चा रखना है, क्योंकि अभी हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और गरम मसाले के बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे। तो पालक ऐड करने के बाद चिकन और कुक होगी, तो हमने चिकन का ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो गरम मसाला ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें पालक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो आपने सारा पेस्ट ऐड कर देना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। पालक के पेस्ट को आपने अच्छी तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप इसे मिक्स कर लें। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देना है, और 10 मिनट्स के बाद हम लोग इसको चेक कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी पालक रेडी है। तो हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया, तो आप लोग भी पालक में पानी ऐड ना करें, क्योंकि पानी ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो ज़ाया हो जाता है और पालक मज़े की नहीं लगती। तो आप लोग ने इसको ऑयल में भून लेना है पालक को। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही शानदार चिकन पालक रेडी है। तो हमने इसमें बटर का 1 स्लाइस गार्निश के लिए ऐड कर दिया है। तो ये बहुत मज़े की चिकन पालक बनी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें।